हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरबीएस ओडिशा। मुँ आशा करुच्चे आपण मैंने बहुत भल रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आज आम डिसेंबर 2023 करंट अफेयर्स को डिस्कसन करवा, जोटा कि आपको वीकली करंट अफेयर्स 17th ऑफ डिसेंबर टू 23rd ऑफ डिसेंबर भितर जहाँ भी इंटरनेशनल एंड नेशनल इवेंट होता है आम एमसीक्यू फॉर्मेट रे डिस्कसन करवा, सो दैट आपण मैंने आक्वेंटेड होकर रहिबे आपको एग्जाम पाई। एग्जाम रे जमी एमसीक्यू फॉर्मेट रे क्वेश्चन आपको पचार आपको कौन से डर लगे नहीं करवाई। सो चलो तो स्टार्ट करवा हमारा वीडियो, बट बिफोर दैट इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन सब्सक्राइब टू आरबीएस ओडिशा। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज रिलेटेड टू बाबेल मंदिप स्ट्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आम जान रखा कि स्ट्रेट मैंने कौन एंड ए न्यूज आम कहीं अच्छी क्वेश्चन पचार बाबेल मंदिप स्ट्रेट वाज इन न्यूज कहीं न्यूज रही ना आम जाने इज्राएल एंड हमास वार चली एंड आ भितर इज्राएल उपर आक्रमण किए कर दैट इज येमेन। ओके तो येमेन पाखे आप देखिए बाबेल मंदिप स्ट्रेट को जब आप देखिए एंड येमेन प्रेजेन्स ये आप जापरेंगे तार सिग्निफिकेन्स ये हिं अच्छी कहीं बाबेल मंदिप स्ट्रेट जोटा अच्छी ब्लक किए कर येमेन ब्लक कर रिसेंटली। सो आप देखते यहाँ गोटे मैप यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मन रखते स्ट्रेट मैंने कौन स्ट्रेट है कौन गोटे लार्ज व्टर बडी दुटा अच्छी यहाँ गोटे लार्ज व्टर बडी यहाँ गोटे लार्ज व्टर बडी गोटे स्मल न्यारो पैसेज अफ व्टर बडी कनेक्ट करें कौन कह स्ट्रेट बोली कही था मैप्रे देखूँ यहाँ है आपण कौन ना इंडिया इंडिया पाखे ये आपंकर कौन अच्छी श्रीलंका अच्छी तो आप देखिपे यहाँ है बे ऑफ बंगाल एंड यहाँ है आप इंडियन ओशन तो ये गोटे आप स्ट्रेट अच्छी जोटा कि इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करेंटा आम पाक स्ट्रेट बोली कही था ठीक अच्छे एवं जान लगे कि स्ट्रेट मैंने कौन क्वेश्चन आपको पचार बाबेल मंदिप स्ट्रेट क्या क्या भितर अच्छी क्या क्या कनेक्ट कै फर्स्ट ऑफ ऑल मन रखु स्ट्रेट बा ये जो जिनसा अच्छी ना देखो ह्यूमन मेड यहाँ अच्छे स्ट्रेट गोटे यहाँ है ओपन एट लो स्टैंड ह्यूमन मेड जो स्ट्रेट अच्छी तार इम्पोर्टेन्स कौन सपोज आमको गोटे जगह को ट्रावेल करार अच्छी कि गोटे बिजनेस करार अच्छी आम जानचे आम सब अधिका बिजनेस कौथे हुए व्टर वे हुए सो इंडिया गोटे यूएस को गोटे पार्सल जाऊँच केमी जी जदि मैनमेड न था आमको एमती ट्रावेल कराइंता बट जेहेतु ये आप स्वेज केनाल अच्छी दैट इज ए मैनमेड केनाल सो वी कैन ट्रावेल फ्रम हियर टू हियर। ओके सो यहाँ आपणकर कौन ना अरेबियन सी एंड दिस इज रेड सी दिस इज मेडिटेरियन सी एंड इट इज आटलांटिक ओशन। ओके सो ये आपंकर येमेन रेजेन्स अच्छी एंड दिस इज गल्फ अफ आडेन एंड इट इज रेड सी। सो आप क्वेश्चन हिसाब से पचार बाबेल मंदिप स्ट्रेट जोटा अच्छी क्या क्या कनेक्ट कै आम जापारे कौन ना रेड सी एंड गल्फ अफ आडेन को आपंकर कनेक्ट करता है किए बाबेल मंदिप स्ट्रेट गल्फ अफ आडेन जोटा अच्छी इट इज ए गल्फ इन अरेबियन सी ठीक अच्छे तो ये जो ऑप्शन टा आपंकर अच्छी गल्फ अफ आडेन एंड अरेबियन सी भितर कौन सी स्ट्रेट ना आपको इट इज जस्ट ए पार्ट अफ इट। ओके देन रेड सी एंड मेडिटेरियन सी इट इज वेरी मच इंपोर्टेंट जदि आपको मेडिटेरियन सी को जीवाक पड़ो तो रेड सी को क्रॉस करके जीवाक पड़ो एंड आप मैप्रे देखिले यहाँ है आपंकर रेड सी यहाँ है मेडिटेरियन सी एंड आपको कनेक्ट किए कर दैट इज स्वेज केनाल व्हिच इज ए मैन मेड केनाल ये आपंकर रहा मेडिटेरियन सी मेडिटेरियन सी को आप जीवे कौड़ी ना आटलांटिक ओशन नॉर्थ आटलांटिक ओशन से कनेक्ट किए कर दैट इज जिब्राल्टर स्ट्रेट कनेक्ट कर से हिसाब से आपण मैंने ये जो मैप अच्छे पीडीएफ टाक आप डाउनलोड करके देखिपारे जहाँ भी इम्पोर्टाट आपंकर कौन अच्छी स्ट्रेट्स अच्छी से आपको फिगर आउट करके दिखाई जमीक ये गोटे मल्लाका स्ट्रेट विषय आपको बहुत पचारि थाए कहीं यहाँ भी गोटे पैसेज एंड यहाँ उपर इंडिया दबदबा अच्छी सपोज ये आपको कौन अच्छी सपोज ना ये आपको आंडामान एंड निकोबर ये आंडामान निकोबर को साउथ चाइना सी सागर जॉइन करे तो आमर आर्मी प्रेजेन्स नावी प्रेजेन्स कौटी अच्छी आंडामान ओशियन अच्छी सॉरी आंडामान सी अच्छी तो से चाइना पे गोटे प्रॉब्लमेटिक थिंग। देन मेडिटेरियन सी और आटलांटिक सी आम तो डिस्कशन कले यहाँ कौन ना स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आपको कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आम ये क्वेश्चन कहीं करे कहीं रिसेंटली आम जाने चेन्नई जोटा अच्छे आपको तमिलनाडु तमिलनाडु चेन्नई में आपको कौन आ फ्लडिंग सिचुएशन आसी बहुत ही हेवी रेनफॉल होती तो से विषय में आपको क्वेश्चन पचार विथ रेस्पन्स रेफरेन्स टू नॉर्थ ईस्ट मॉनसून कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट 75% ऑफ द कंट्रीज एनुअल रेनफॉल इज रिसीव्ड फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून देखो यहाँ है आपको सपोज पेनिनसुला इंडिया तो यहाँ है आपको कौन साउथ वेस्ट
ସେଇଟା ହେଲା ତ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହୁଏ ସେଇଟା ହେଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରେନ୍ଫଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିସିଭ୍ସ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ୍, ନଟ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମନସୁନ୍, ଓକେ। ଆଣ୍ଡ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ମନସୁନ୍ ଯେଉଁଟା, ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଆପଣଙ୍କ 75% ଅଫ୍ ଦ ରେନ୍ ୱାଟର ଯେଉଁଟା ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆନୁଆଲ ଆନୁଆଲ ରେନ୍ଫଲ୍, ସେଇଟା କେଉଁଟା ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସରି ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମନସୁନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, ଏବାଉଟ 75% ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆନୁଆଲ ରେନ୍ଫଲ୍ ଇଜ୍ ରିସିଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମନସୁନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ। ଏଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମନସୁନ୍, ସୋ ଏ ରଙ୍ଗ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ କନ୍ଫାଇନ୍ ଟୁ ଦ ସଦର୍ଣ୍ଣ ପେନିନ୍ସୁଲା ୱିଥ୍ ତାମିଲନାଡୁ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଫର୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରେନ୍ଫଲ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମନସୁନ୍ ଆସେ, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମନସୁନ୍ର ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 44-48% ରେନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ତାମିଲନାଡ଼ୁକୁ ମିଳିଥାଏ। ସୋ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍। ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ୱିଣ୍ଟର ମନସୁନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ରାଇଟ୍। ୱିଣ୍ଟର ମନସୁନ୍ କାହିଁକିନା ୱିଣ୍ଟର ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ୱିଣ୍ଟର ମନସୁନ୍। ସୋ କେତେଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି, ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଓନ୍ଲି ଟୁ ଆର୍ କରେକ୍ଟ। ଆ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ କରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ମନସୁନ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ କ୍ରପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରବି। କାହିଁକି ରବି ନା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା କେବେ ହୁଏ ନା ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଣ୍ଡ ରେନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଟେମ୍ପରେଟ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ସ। ଆଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ କ୍ରପ୍ସ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହୁଏ ଏଇ ଯେଉଁ ପେଜ୍ଟା ଅଛି ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଆଗେ ଦେଖିକି ଯିବେ, ରବି କ୍ରପ୍ କେଉଁଟା ଆଣ୍ଡ ଖରିଫ୍ କ୍ରପ୍ କେଉଁଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ରବି କ୍ରପ୍ ଯେମିତିକି ଆପଣ ହ୍ୱିଟ୍, ବାର୍ଲେ, ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ୍ସ, ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଏଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ଆଣ୍ଡ ଖରିଫ୍ କ୍ରପ୍ କ'ଣଟା, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଜୁଲାଇରେ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇରେ ହେଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାଡ଼ି କଲ୍ଟିଭେସନ୍। ପ୍ୟାଡ଼ି କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ୱାଟର୍ ଦରକାର। ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ମନସୁନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା କ'ଣ ନା ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମନସୁନ୍ ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ଏ ପେଜ୍ଟାକୁ ଟିକେ ପଜ୍ ମାରିକି ଭଲକି ଦେଖିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ଏଇଟା ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଭଲକ୍ୟାନ୍ ଅଛି ଆକୁ ସ୍ପେଲିଂ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫରେନ୍ ୱାର୍ଡ଼, ଫାଗ୍ରା ଡାଲସିଆକ୍, ଓକେ। ଏଇଟା ଆଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ବଟ୍ ଫାଗ୍ରା ଡାଲସିଆକ୍ ଆକୁ ପଢ଼ନ୍ତି। ଭଲକ୍ୟାନୋ ୱାଜ୍ ସିନ୍ ଇନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ଡ୍ୟୁ ଟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଇରପ୍ସନ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଲକ୍ୟାନୋ। ଆଣ୍ଡ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଲକ୍ୟାନୋ ଗୋଟେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ କି ଇଣ୍ଡିଆରେ କେଉଁଠି ଭଲକ୍ୟାନୋ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ଆର କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ, କି ଏଇଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି କି ଡର୍ମାଣ୍ଟ ଅଛି, ଓକେ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଭଲକ୍ୟାନୋ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ମେନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ, ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ କେମିତି ହୁଏ, ତାର ଫେନୋମେନନ୍ କ'ଣ ଥାଏ। ତ ଭଲକ୍ୟାନୋ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଭଲକ୍ୟାନୋରେ ଯେଉଁ ଇରପ୍ସନ୍ ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ମାଗ୍ମା ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିକି ଆସେ ଆର୍ଥର କ୍ରଷ୍ଟ ଉପରେ ପଡ଼େ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଆଟମସ୍ଫିୟରରେ ବି କିଛି ଜିନିଷ ମିଶିଥାଏ, ପଲ୍ୟୁସନ୍, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଟମସ୍ଫିୟରିକ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହୁଏ ସେଥିରେ ଭଲକ୍ୟାନୋ ଇରପ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କଜ୍। କାହିଁକିନା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲା କେଉଁଠି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପିସିଏସ୍ରେ, କି ଭଲକ୍ୟାନୋରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବାହାରିଯାଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାଟର୍ ଭେପର୍, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସଲ୍ଫର୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍। ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଅଛି, କାହାର ନା ଭଲକ୍ୟାନୋ ଇରପ୍ସନ୍ର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଏଇଟା ବାହାରେ, ତାପରେ ଆଉ ସବୁ ଯାକ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ବାହାରିଥାଏ, ବଟ୍ ବାହାରିଥାଏ, ଓକେ। ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୋଇଜ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ ଆବାଉଟ୍ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ, ଯାହାକୁ ଆମେ CIESF ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଏ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କାହିଁକି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ବନେଇଥିଲି ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କି MPs କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି। ତାର ରିଜନ୍ କ'ଣ ଥିଲା କି ଯେଉଁ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ରିଜ୍ ଥିଲା କେଉଁଠି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ, ତାକୁ ନେଇ ହଙ୍ଗାମା ହେଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ MPs ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ରିଜ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହୋମ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଥିଲା, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଦେଖାରେଖା କରୁଥିଲା, ତାକୁ ହଟେଇକି ଆମର CIESF ଯେଉଁଟା ଅଛି CIESFକୁ ଆଣିକି ଆସିଥିଲା। CIESF ହେଲା କ'ଣ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ରିଜ୍ ହେବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କନ୍ସର୍ନ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଉପରେ, ଓକେ। ସୋ CIESF ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହୋମ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଅଛି ତା ଅଣ୍ଡରରେ ହିଁ ଏଇଟା ଆସିବ CIESF। ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହୋମ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ଆପଣଙ୍କ 7ଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆର୍ମ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଆସେ, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହେଲା CIESF ଆଣ୍ଡ ଅଦର 6 ହେଲା କ'ଣ ନା BSF ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଆସେ, ଇଣ୍ଡୋ ତିବେତିଆନ ବର୍ଡର ପୋଲିସ, ସଶସ୍ତ୍ର ସୀମା ବଲ ଯାହାକୁ SSP ମଧ୍ୟ କହିଥାଏ, ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସ, NSG ଆଣ୍ଡ CRPF, ଠିକ୍ ଅଛି।
तो एटी पचाची कोटा अभी तो ठीक नहीं हो जाए तो फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट क्वेश्चन भी आपने देखिए कि एटा करेक्ट पचाची कि नॉट करेक्ट पचाची इट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू इंडियाज इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग दैट इज राइट काहेकि ना जेतो बले 1969 रे आपनकर रांची हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन रे कोन हितला ना फायर लागितला ता परठर आपनकर ए जो सीआईएसएफ अछि तार फॉर्मेशन हेतला बा फॉर्मेशन तार स्टार्ट हेतला एग्जैक्टली आपनकर मार्च 10 1969 रे आरा फॉर्मेशन हेतला एंड एटा केमिति फॉर्मेशन हेतला दैट वाज फॉर्म बाय जस्ट ए एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट पार्लियामेंट ता पर आपनकर एटा फॉर्मेशन हेतला so it provides security to india's industrial undertaking that is right it has a dedicated fire wing are got a fire wing achi that is also right it is the largest public facing security force that is also right c re apun koi chi it has lowest percentage of the women in force among other CAPF so eta apun ko wrong kahina sabutar highest jadi women employment code achi that is जदि आपण को देखिए सीएपीएफ भितर सेटा आपण को कोड छि सीआईएसएफ रे सबटर हाईएस्ट परिमाण रे वुमेन कर एंगेजमेंट रे ठी देखिया को मिले एंड एटा आपण को 1800 सॉरी 1987 अराउंड बळ को आपण को वुमेन मन को रिक्रूटमेंट करिया स्टार्ट कर दितला ठीक अछि सो इट वाज ऑल अबाउट सीआईएसएफ आपण जानि परले कि कोन थिला कांसेप्ट एंड मे काहे कि सीआईएसएफ बिषय डिस्कशन गले देन नेक्स्ट क्वेश्चन हला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विपासना इज नॉट करेक्ट एटा गोटे बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट विपासना विषय आम कहीं पढ़ुचे ना विपासना एटा गोटे आप बुद्धिस्ट कल्चर रे आसे ठीक अच्छे सो रिसेंटली कौन होती जो ईडी चार्ज करते क्या उपरे ना केजरीवाला उपरे तो केजरीवाला कौन कहते से 10 days जाए कौन अच्छा विपासना को अटेंड कर एंड इट इज अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो जदि आपन को किसी मेंटल लाइक पीस मिलूनी ताले 10 days रो विपासना कोर्स गोटे करूँ जातु बहुत ही शांति मिल every year you should engage with this kind of activities ठीक अच्छे तो विपासना से कहते कि विपासना से जाइंट से माने ED जो कौन अच्छी एंगेजमेंट सहित हो पार ना तो क्वेश्चन आपको पचारा विपासना भितर कौटा करेक्ट ना नॉट करेक्ट सो इट इज एन एंशिएंट मेडिटेशन टेक्निक व्हिच अलाउ सीइंग थिंग्स एज दे आर रियली दैट मीन्स जमीती जो जिनस अच्छी से ही हिसाब से देखापी आपको अलाउ करे दैट इज राइट विपासना सेटा इट इज डिराइव फ्रम टीचिंग्स ऑफ महावीर देखते महावीर जो मैंने महावीर जे सी कौन जेन तीर्थनकार जेनिजिम फाउंडेशन से करते तो से इट इज नॉट महावीर दैट इज गौतम बुद्ध तो इट इज डिराइव फ्रम द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध तो ये पचार कौटा करेक्ट नुह आम आंसर मिलगला बी इज द करेक्ट आंसर देन सीटा ये आपको इट इज अ वे ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन निजो को निजे देखिकी निजो ठारु सिखिबा भी एटा कुए सी इज राइट आल्सो डी ढाला इट इन्वॉल्व्स अब्सटेनिंग फ्रॉम एक्शन व्हिच कॉजेस हार्म एंड किलिंग और स्टीलिंग ठीक अछि एटा भी आपनको मेंशन अछि सो बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट विथ रेफरेंस टू द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे पैरेड एटा हमें काही डिस्कशन करू छे 26th जनवरी हमर कोन हो रिपब्लिक डे हो से पैरेड रे हमें कोन करे गोटे चीफ गेस्ट को डके थाए आमे फर्स्ट इनवाइट करते क्या यूएसए को इनवाइट करते दैट मीन जो बिडेन को कौन करते इनवाइट करते ऑल्दो दे रिसीव्ड द फैक्ट इनविटेशन से माने कौन करते रिसीव करते बट तांको तरफ कौन सी उत्तर मिली नथिला कि आमे जीवू कि जीवुनु ठीक अच्छे तो से यहाँ को कौन कराई यूएसए को एबे कैंसिल कराई आम क्या इनवाइट करचे दैट इज फ्रांस फ्रांस को आम इनवाइट करचे एंड फ्रांस रो प्रेसिडेंट दैट इज इमानुएल मैक्रोन ठीक अच्छे इमानुएल मैक्रोन कौन करेंगे इंडिया को आसवे एज ए चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे पैरेड कहीं ना जो बास्टिल डे पैरेड होता बास्टिल डे पैरेड जिते पीएम मोदी भी जाते कौटि की फ्रांस जाते एंड फ्रांस रुठ ग्रेटेस्ट जो अनर अच्छी से कौन कर सम्मानित कर तो मत कमेंट सेक्शन में जहां कि बास्टिल डे पैरेड कौ डेट रे मना जाए ठीक अच्छे सो क्वेश्चन आप स्टेटमेंट वन Invitation to the chief guest of the Republic Day parade is a ultimate sign of friendship between India and the country invite. जहाँ को हम invite करते हैं तब इधर India और तब इधर friendship भी सरे को आए जी. That is right. Georgia Meloni will be the India's chief guest for 2024. नहीं Georgia Meloni जी अलग है ना Italy का PM. हमें France को डाकी जाए. So second डर wrong है ला.
थर्ड स्टेटमेंट, द चीफ गेस्ट ऑफ द पैरेड इन 1950 वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ क्लीमेंट अटली ऑफ द यूके। इट इज ऑल्सो रॉन्ग। कहेंगे ना 1950 रे हमें सुकर्णो को डाकी थिले, जे कि आपन को कार ना इंडोनेशिया रा पीएम थिले, एंड इंडोनेशिया वाज अ पार्ट ऑफ ऑल्सो नॉन अनालाइनमेंट मूवमेंट जोडा थिला, जो पांचटा कंट्री मिसिकी बनी थिले, ता भितर आपन को के थिले इंडोनेशिया भी गुटे पार्ट थिले, आपन को जवाहरलाल नेहरू थिले इंडिया तरफ रु। ठीक अच्छे, सो एटा आपन को रॉन्ग हेगला। सो केतरा स्टेटमेंट आपन को करेक्ट बोली पचासे, दैट इज ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, गोटे जनकर आपणकर बर्थडे एनिवर्सरी थिला केवे ना 22nd ऑफ डिसेंबर, सेथी पई आमे एक क्वोटेशन पढुचे, दैट मींस से कोन थिले, ही वाज बोर्न इन द टाउन ऑफ ईरोड इन मद्रास प्रेसिडेंसी नाउ तमिलनाडु जोडा अछि, एंड आफ्टर सेकेंडरी स्कूल ही रिसीव्ड द स्कॉलरशिप एट द गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कुंभकोणम। बाय 1910 ही वाज गेनिंग पॉपुलैरिटी इन मद्रास मैथमेटिक्स मैथमेटिकल सर्कल। आम जानचे मैथमेटिकल रे ए जो ऑप्शन आपण पढ़ी आ भीतर के फेमस सबटर अधिका, दैट इज श्रीनिवास रामानुजन। तो तांकर बर्थ एनिवर्सरी थला केबे ना 22nd डिसेंबर, एंड से कोन थिले, ही वाज इलेक्टेड ए मेंबर ऑफ लंडन मैथमेटिकल सोसाइटी आल्सो 1970 रे तंग कोन कराइतला इलेक्ट कराइतला। सो ए जो क्वोटेशन अछि ए किछि फैक्ट अछि तंग विषय रे देखि देबे एटा। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू गायरोक्राप्टर्स, कहेंगे गायरोक्राप्टर्स आम न्यूज रे अच्छी एवं, दैट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड कौन करसिकी गोटे प्राइवेट कंपनी सांगे, गोटे स्पोर्ट्स एंड एरोस्पोर्ट्स कंपनी सांगे, एडवेंचर एंड एरोस्पोर्ट्स कंपनी सांगे मिसिकी गायरोक्राप्टर्स को लॉन्च करी टूरिज्म को बूस्ट करने कौन कहते ब्रेकफास्ट टूरिज्म। ओके, तो एथेरे कौन हम पचार, इट इज ए गायरोक्राप्टर विषय आपको क्वेश्चन ये पचार, इट इज ए मिक्स बिटवीन हेलिकॉप्टर्स एंड एन एरोप्लेन, दैट इज ऑल्सो राइट। इट यूजेस एन इंजिन टू स्पिन द रोटेटिंग ब्लेड ऑन द टॉप, दिस इज रॉन्ग। एठी आपनकर कोनोसी इंजिन न थाए, जेमती हेलिकॉप्टर उपरे आपनकर कोन थाए गोटे पंखा थाए, से हिसाब से आ उपरे भी गोटे पंखा थाए, बट से पंखा पई आपनकर कोनोसी इंजिन लागी न थाए, से ऑटोमेटिकली घूरी जाए। दे आर जनरली कंसीडर सेफ एंड स्टेबल, दैट इज राइट। दे रिक्वायर एक्सटेंसिव रनवे फॉर टेक ऑफ एंड लैंडिंग, नहीं जो गायरोक्राप्टर्स अच्छी गायरोक्राप्टर्स को सेमाने यूज ही एथिपाई करचोंदी कि तांको कोन दरकार होवनी कि जो रनवे अच्छी अधिका रनवे दरकार होवनी, से कोडे छोटो जगह रे भी टेक अप करि परिबे एंड लैंडिंग करि परिबे। सो एठी पछि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर गिवन आर करेक्ट, दैट इज ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिमाइजेशन क्रॉप इरिगेशन, रिड्यूसिंग वाटर वेस्ट, प्रेडिक्शन ऑफ हरिकेन्स इन एडवांस, प्रेडिक्शन ऑफ ड्रॉट्स, हाउ मेनी ऑफ अबव कैन बी अचीव बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, सो रिसेंटली आम जानी ए मंथ रे COP28 विषय आम डिस्कसन करथिले जो दुबई रे हेतला, एंड से गोटे जिनस डिस्कसन कर वाटसन एक्स डट ए आई। ओके, जमी आप कौन अच्छी चैट जीपीटी अच्छी बैडू अच्छी, ठीक अच्छे, तो से हिसाब से आपको वाटसन ए आई विषय डिस्कसन कराइला, जी कि ए सब जिनस को प्रेडिक्ट कर पार, एंड वाटसन ए आई जोटा अच्छी यहाँ आप कहार ना नासा तापर आईबीएम मिसिकी बनई। जनरली नासा आप कौन कर डाटा प्रोवाइड कर, आईबीएम तार कौन कर जो मॉडल अच्छे से मॉडल को डेवलपमेंट कर। सो हाउ मेनी अबव कैन बी अचीव, दैट इज ऑल फोर कैन बी अचीव, से मैंने ये सब जिनस को कौन कर प्रेडिक्ट कर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द सस्पेंशन ऑफ एमपीज, आम एटा को ए मंथ सारा डिस्कसन करचे, एंड आप भी मु पर्टिकुलर वीडियो अपलोड करी जो थे आपको रूल मेंशन अच्छी, एंड कहीं सस्पेंड होते से विषय भी डिस्कसन कर, यू कैन सी दैट वीडियो। सो ये पचार, विथ रेफरेन्स टू सस्पेंशन ऑफ एमपीज ऑफ पार्लियामेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट प्लेज ए मेजर रोल इन द सस्पेंशन ऑफ एमपी, ना एटा किए करेंगे जदि आप लोकसभा अच्छा स्पीकर, देन राज्यसभा हेले किए वाइस प्रेसिडेंट बा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। द प्रोसीजर फॉर सस्पेंशन ऑफ एमपीज इज मेंशन्ड इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, दैट इज राइट। लोकसभा रे आपन को 374, 374A इन लोकसभा द सस्पेंशन ऑफ एमपी नीड्स फॉर द हाउस टू पास ए मोशन फॉर सस्पेंशन,
नो किसी मोशन आपन को दरकार नहीं सो थ्री इज रॉन्ग हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट दैट इज ओनली वन स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस आपन को जो सस्पेंशन अछि एमपी मान को केमिति हबो बोली सो दिस वाज ऑल द क्वेश्चंस जोड़ा आपन को इंपोर्टेंट क्वेश्चन बा इवेंट्स सिला आपन को ए जो वीक रे सेटा को हम डिस्कशन करले आई होप आपन को वीडियो डी भल लागी थिवो एंड जदी कंटेंट आपन को भल लागु छी देन लाइक करन तो वीडियो को एंड कमेंट रे जणा तो जहां भी मु आपन को क्वेश्चन पचारि छी सो दैट आपन को रिविजन हे चलिबो एंड अगेन जेतेबेले आपन बाइक चलाउ छथि सेतेबेले गोटे हेलमेट पिंधि की चलांदो बिकॉज़ आपन को लाइफ टा सब बेले मैटर करे ठीक अछि थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।